पुराने चावल बोल। अरे मैं से क्या डरूंगा। अच्छी बात है, देखते चलता कपड़े उतार। ठहरो ठहरो, मेरे कपड़े नहीं उतरे। पहलवान अपन गोवा जाके लड़ेंगे। क्या कहा? चलो क्या कपड़े निकालो, इसके कपड़े निकालो। चलो जो इस चुमकी का क्या है? क्या है चुमकी? आदेश ना समझ हमार समझता हूँ ड्री उसको। अरे ये ऊपर का सीना क्या दिखाता है? ये हिला नीचे का पैर। भाइयों और बहनों, अभी इस पहलवान का और कंडक्टर का फाइट होगा। मैं इन पर बैठ खाने पे तैयार हूँ। इस पहलवान के मसल देखिए, इतना सवा का भाव एक रुपए का सवा रुपया, और कब 15 का भाव एक रुपए का 15 रुपया। यही टाइम है माल कमाने का। आइए लगाइए माल की तरह। ये लो ये 20 रुपया हमारा। किस पर? कंडक्टर पे बाबा। अरे हमको दीवाना हो गया है, कंडक्टर ऊपर लगाएगा फिर ये बॉक्सर के ऊपर। अबे जा 20 रुपया नाम। अबे बे जा, और कोई है? माल कमाने का टाइम, इसका मसल देखो और पैसा लगाओ। एक रुपया बॉक्सर पे, एक रुपया नाम। अबे जा शाबाश शाबाश, कंडक्टर डरना नहीं। और प्यारा लिया उस्ताद, शाबाश कंडक्टर डरना नहीं। Ladies and gentlemen, on my right, from the Parsi corner, Mr. Boxer. On my left, from Madrasi corner, Mr. Conductor. शाबाश मेरे फ्लूक के घोड़े, रेस मगर दौड़े ही जीत गया। क्या आज मेरा जैकपॉट तो यही लग गया। कितना पैसा जीता? 500 के ऊपर होंगे यार, तुम भी देखो। अबे टेक्निकल है, तू मेरे को कुर्बानी का बकरा बनाकर मेरे मुसाफिरों को लूटना चाहता। नहीं, 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 नहीं। राजेश ले यार, ये जितने लोगों के पैसे ना सब वापस कर दे। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। आओ भाई लोग। तो थुकनी की बोल भाई, तूने मर गया क्या? मर गया नहीं, हर गया। रो मत रे, रो मत मेरे बच्चे, रो मत। देख भाई, हर कुत्ते का एक दिन आता है ना। आज तेरा दिन आया बाप। अच्छा देख, मैं तेरे से भी माफी मांगता हूँ, तेरे बाप से भी माफी मांगता हूँ। अब कहीं से भी जाके थोड़ा सा पानी लेकर आ, ताकि इसके मुंह पे डाले और ये होश में आए। कहाँ से लाऊं बाप, यही बस है। उस्ताद, उठो उस्ताद। उठो उस्ताद, मैं जीत के भी तुम्हारे से माफी मांग रहा हूँ उस्ताद। उठो, नाक कटा दिए। माला कहाँ है? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, उस कमबख्त ने बीच में आके बड़ा बड़ा काम बिगाड़ दिया। किसने? एक लंबूता बाजू से मेरी लड़ाई हो गई। अच्छा रवि, वो यहाँ भी आ पहुंचा? हाँ पहुंच, उसने मेरे हाथ से पिस्तौल छीन ली। लेकिन बॉस मैं भी वो चाल चलाओ कि बस 20 रास्ते में रुक जाएगी। अंदर आकर बैठ जाएगी यार।
अच्छा ये पता नहीं, मैं तो राजेश खन्ना को जानता हूँ। खन्ना किधर गया? खन्ना क्यों बे? नीचे क्या कर रहा है? बाहर निकल। ये क्या दिखा? बाथरूम जाने का? मेरे को बाथरूम नहीं जाने का है, ये बस बाथरूम होकर आ रही है। वो देख, ऑयल की टाकी का स्क्रू ढीला हो गया है, सारा ऑयल टपक टपक कर खत्म हो गया है। चल तेल का डब्बा उड़ा जाएगा, तेल ले गया। क्या मजाक कर रहा है यार, ये कड़कती धूप के अंदर डब्बा थल पे उठा के 2 मील पैदल चल के मैं तेल लेकर आऊं? ऑपरेशन नहीं होता। आवाज आवाज खन्ना, तू पैदल नहीं चल सकता? नहीं नहीं यार। तो मैं एक काम करता हूं, तेरे लिए एक इम्पाला कार मंगा दे। आजकल तू मेरी बहुत फिरकी तान रहा, अगर मेरा दिमाग घूमेगा तो तेरा घुमा के रख डालूंगा। जा जा, तेरे से 36 जगह उठा के फिरा डालूंगा। तेरी तो अरे कौन है भाई? हो अरे काय को झगड़ा करता, बस करो जी बस। और बस चलानी बस? ए बाबा अंदर जाओगी अंदर? अबे ओ कंडक्टर के बच्चे, बस को सीधी तरह गोल ले चल, नहीं तो तेरी रिपोर्ट कर दूंगा। हां अबे तू बात करता है कि थूकता है? भाई जी भाई जी, रुमाल आपू। अबे रुमाल ना, अरे ये किसकी है? ओ तुझा राजेश, ओ हो तुझा राजेश। ये राजेश, पहले जा जाके तेल की टाकी ठीक कर। करेगा करेगा। कंडक्टर को डीजल लाते वक्त लगेगा, क्यों ना हम नीचे चल के ठंडी हवा खाएं। चलिए। जिंदगी में गलत कदम उठाया था, उसी के बारे में सोच रही हूँ। यानी कि हिम्मत कम और इरादे बड़े, फिल्म स्टार बनने के शौक में घर बार छोड़ देना। आपको कैसे मालूम? अजी हम दुनिया का हर हाल जानते हैं, हम तो ये भी जानते हैं कि आप कौन हैं, किसकी बेटी हैं और आपकी शादी कहाँ होने वाली है। कहिए लड़का कैसे लगा? मुझे क्या मालूम, मैंने तो उसकी सूरत तक नहीं देखी। तो आप देख लीजिए ना। आप? जी हाँ, आपके पिताजी श्री आत्माराम के दोस्त श्रीमान रामलाल जी के सुपुत्र और आपके मंगेतर श्री उत रवि कुमार। आपका मतलब आप? जी हाँ, मैं। वरना क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा था कि मैं बॉडीगार्ड की तरह आपका पीछा करता रहूं? लेकिन तुमने अपने आप को मुझसे छुपाए क्यों रखा? क्या करता, तुम्हारी आंखों पे फिल्मी दुनिया की चमक धमक का पर्दा पड़ा हुआ, मैंने सोचा जिंदगी की राह में 2-4 ठोकरें खाओगे अपने आप समझ जाओ, आखिरकार सोना गलकर ही तो जेवर बनता है। खैर छोड़ो इन बातों, ये बताइए मंगेतर कैसा लगा? अगर मंगेतर ना भी होती तो भी अच्छी लगती। अच्छा,
अरे कोई आ रहा है शायद। अरे कोई क्या, वही अपने बस वाले साथी हैं।